हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम कैटगरी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो कितने किस्त आए हैं, जैसे 2 किस्त आए हैं, 3 किस्त आए हैं। तो फ्रेंड, अपना स्टेटस चेक करने के लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम किस तरह से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसके पहले भी जो लोग स्टेटस चेक कर लेते थे वो लोग भी इस समय बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि हम किस तरह से स्टेटस चेक करें, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के में बहुत सारा चेंजेस कर दिया गया है। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूं कि किस तरह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करना है। तो फ्रेंड, स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। तो यहां पे मैं अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर दे रहा हूं। ओपन करने के बाद फ्रेंड, यहां पे टाइप करना होगा पीएम किसान। तो यहाँ पे पीएम किसान लिख दिया। आप pmkisan.gov.in भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पीएम किसान भी सर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से मैं सर्च कर दिया। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो लिंक आ रहा है pmkisan.gov.in, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से। लेकिन फ्रेंड, पहले यहाँ पे ये सब ऑप्शन नहीं आते थे। यहाँ पे देख सकते हैं मोदी जी का फोटो है, यहाँ पे इस तरह से नहीं आते थे। और सबसे ऊपर ही यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट अस, गाइडलाइन, PMKY, और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, CSC लॉगिन, ये सब भी थे। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और था, यहाँ पे फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन आता था, जो कि अब यहाँ से हटा दिया गया है। अब हटा दिया गया है, इसका मतलब यहाँ से हटा नहीं दिया गया है। इसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कर दिया गया है फार्मर कॉर्नर। और फार्मर कॉर्नर के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे एडिट आधार फेलर रिकॉर्ड, यहाँ पे एनिमेशन के साथ दे दिया गया है, बेनिफिशियरी स्टेटस, बहुत सारे ऑप्शन जो पहले थे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। तो आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है तो इस बेनिफिशियरी स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के और परेशान हो जा रहे हैं कि हम किस तरह से चेक करें, वहाँ पे फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा नीचे आइए और वहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल के चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक कर दे रहा हूँ। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फार्मर नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, विलेज। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी किस्त आपका आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 5 किस्त यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 5वां इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से फ्रेंड, आप भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे 6वां पेंडिंग में दिखा रहा है या 5वां पेंडिंग में दिखा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि 2-4 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।